अनुसूचित जाति विभाग जिला कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर गोष्ठी और वरिष्ठ नागरिक और मेघावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नीमच स्त्री के वार्ड नंबर 5 यादव मंडी में आयोजित इस गरिमामय समारोह में जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि बाबा साहब के संघर्ष की वजह से आज दलित और पिछड़ा वर्ग लगातार शिक्षा की ओर अग्रसर होकर बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। वे सर्व समाज के मसीहा थे, समरसता के सबसे बड़े पैरोकार थे। समाज और देश के विकास में योगदान देते हुए योजना आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि यदि वे अमेरिका में जन्मे होते तो हमारे देश के सूर्य होते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारत के संविधान को श्रेष्ठतम बताते हुए अफ्रीका का कहना है, यदि भारत से कुछ हासिल करना है तो भारत का संविधान लो। पाकिस्तान कहता है कि यदि भीमराव अम्बेडकर हमारे देश में होते तो इतनी कट्टरता नहीं बनती। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस बात पर नाज करता है कि उनके यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने छात्र जीवन में पढ़ाई की। इस अवसर पर दलित समाज के वरिष्ठ नागरिकों और 9 से 12 तक के मेघावी छात्रों को वरीयता सूची के आधार पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा, जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, अनुसूचित जाति विभाग के जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश अग्रवाल, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री मधु बंसल, तरुण बाहेती, मुकेश कालरा, रमेश कदम, बलवंत यादव, नाथू सिंह, ब्रजेश मित्तल और ओम शर्मा, भारत अहीर, मुकेश पोरवाल, विशाल यादव, बड़ी संख्या में वार्डवासी और कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोहर अम्ब और बबली तंवर ने किया। आभार महेश अग्रवाल ने प्रकट किया। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बाबा साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर नीमच जिले के अनुसूचित जाति कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महोदय माननीय श्री महेश जी बीरवाल जी एवं ब्लॉक अध्यक्ष भाई बलवंत जी यादव द्वारा एक ऐसा अनूठा आयोजन बाबा साहब के जन्म में रखा है जिसमें प्रतिभाओं को और 10 वरिष्ठ जनों का सम्मान इस संगठन द्वारा किया जाएगा। ये हमारे समाज के और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है जब वरिष्ठों का सम्मान मिलता है। ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार का इन्हें कृत्य किया। मैं मेरी ओर से, समाज की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर यहाँ जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग एवं ब्लॉक कांग्रेस अजय विभाग द्वारा कार्यक्रम रखा गया है और संविधान के निर्माता रचयिता बाबा साहब जी भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने देश का संविधान लिखा और सभी जातियों को एक करने की कोशिश की गई और गरीब पिछड़ों को आगे बढ़ाया, इसलिए हम उनका हमेशा के लिए धन्यवाद करते हैं। और हमारे मसीहा थे गरीबों के वो, और आज जिस भी रूप में और जहाँ भी हैं हम लोग, वो सब बाबा साहब की देन है और हम उसी तारतम्य में कार्यक्रम करवा रहे हैं। नीमच से अब्दुल अली दानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।